हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी डाउ 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं एंड उनके क्या इमोशंस हैं। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप उसके लिए अपनी रीडिंग को देखेंगे। अपने पार्टनर के लिए ये पर्सन आपके कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई आपके फियांसी, कोई ओबियसली जिनके साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपको नहीं पता वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, जानना चाहते हो आप लोग, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए, अपनी एनर्जीज को उनके साथ अलाइन करें। जो भी आपके पर्सन हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, आपके लवर हैं, उनका 3 times नेम रिपीट करें एंड पॉजिटिव रहें और उनके बारे में पॉजिटिव सोचें। अलाइन करें अपनी एनर्जीज को उनके साथ, मेडिटेशन करें, ठीक है, एंड रिलैक्स हो जाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, इट्स अ जनरल एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो कीप एन ओपन माइंड। सो लेट्स सी। ओके, फर्स्ट वी हैव 6 of cups, इट्स अ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। देन वी हैव 7 of cups, देर इज अ लॉट ऑफ वाटर इमोशंस। नंबर 6, 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। वी हैव 9 of cups, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यस, नो कॉन्टैक्ट, करंट फीलिंग्स, यूर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव 8 of pentacles, इट्स अ टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। एंड देन वी हैव 9 of coins, इट्स अ अगेन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन। मे बी आप लोगों में से एक वाटर साइन और एक अर्थ साइन हो सकता है। 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो मे बी 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप दोनों सिंगल भी हो सकते हो, आप और आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास किंग ऑफ कॉइंस की। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है इस टाइम, ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। दिस पर्सन फीलिंग्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू। ऐसा लग रहा है जैसे ये लॉन्ग टर्म आपके साथ एक स्टेबल सीरियस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो करना चाहते हैं। यस, बट मुझे एनर्जी जो दिख रही है यहाँ पे गाइस, सबसे पहले हमारे पास एनर्जी है विद द 6 of coins एंड विद द 7 of cups। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, प्लान कर रहा है ये पर्सन कि किसी तरह से आपने जो पास्ट में टाइम स्पेंड किया है या आपकी जो भी एक दूसरे के साथ मेमोरीज हैं, आपका गोल्डन टाइम गुजरा है एक दूसरे के साथ, ये पर्सन उस टाइम को, उस कनेक्शन को दोबारा से रीन्यू करना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ महसूस हो रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास से हैं। ये पर्सन कोई आपका पास्ट में बहुत ज़्यादा, इनके साथ आपका एक बेस्ट फ्रेंड कनेक्शन भी था, बट बेस्ट फ्रेंड को आपने एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, आप लोगों ने एक दूसरे को डेट किया, ये पर्सन उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और ऐसे लग रहा है ये पर्सन उस चीज़ को, पास्ट को दोबारा से अपने प्रेजेंट में लेकर आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पास्ट में जो चीज़ें आपने टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, जो भी कुछ करते रहे हो आप, वो इस टाइम प्रेजेंटली वो सब चीज़ें दोबारा से स्टार्ट की जाएं, जिसको लेकर ये प्लान कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस थी, काफ़ी ऑप्शंस थे पास्ट में जिनको इसने चूज़ किया, प्रेफर किया, बट अब इनको बुरा फील हो रहा है कि इन्होंने क्यों जो है अपने जो ऑप्शंस हैं वो ओपन रखे, ठीक है, और अभी ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, बिकॉज ये ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। आप इस पर्सन की विश फुल थिंकिंग को, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग करते हैं बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ आने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन 24/7 ऐसे लग रहा है ये आप लोगों को याद करते रहते हैं, आप इस पर्सन के माइंड में चलते रहते हैं। विद द 9 of cups एंड विद द 7 of cups डेफिनेटली आप इस पर्सन की एक विश कम ट्रू हो, आप इस पर्सन का ड्रीम कम ट्रू हो, बिकॉज जिस तरह से आप इस पर्सन की सोल को सेटिस्फाइड कर सकते हो, जैसे आप इस पर्सन को खुश कर सकते हो, जो प्लेजर, जो एक सेफ एनर्जी या सेफ कनेक्शन इनको आपके साथ महसूस होता है, शायद इनको किसी और के साथ महसूस नहीं हो रहा, ठीक है। हो सकता है इन्होंने ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन रखा है, लेकिन इनको वो कंफर्ट, वो एक प्रोटेक्शन,
नहीं फील हुआ, एक वो अटैचमेंट नहीं फील हुई जो इनको आपके साथ हो रही है, इसीलिए ये आपको याद कर रहे हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं, दोबारा से इस कनेक्शन की रिबर्थ करना चाहते हैं या आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है विद द नाइन ऑफ कप्स एंड विद द नाइन ऑफ कॉइन्स इनको लगता है यू गाइस आर अ वेरी स्टेबल पर्सन, आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ गेन कर रहे हो, काफ़ी कुछ आपने अचीव किया है, आप अपने सेल्फ केयर कर रहे हो, आप अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हो रहे हो, लाइक आप खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, आप सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकते हो इस टाइम करंट फ्रेम में इन अ पॉजिटिव वे, आई एम नॉट सेइंग कि आप टॉक्सिक हो रहे हो या किसी तरह के नर्सेस्टिक हो रहे हो, सेल्फ सेंटर इन अ सेंस इन अ गुड वे, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो सकता है आप काफ़ी वर्कआउट कर रहे हो अपने ऊपर, आपने अपने आप को काफ़ी स्टेबल किया है, अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हो, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हो, आप किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हो, अपने आप को काफ़ी आपने ग्रूम किया है, जिनको देख कर ये पर्सन को लगता है आप काफ़ी खुश हो अपनी लाइफ में, गैस और ये पर्सन विश करता है कि काश ये पर्सन की लाइफ में आप दोबारा वापस आ जाओ विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, ये अब आपके साथ इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं और अब ये पर्सन हार्डवर्क करना चाहते हैं, किसी भी हद तक आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए ये हार्डवर्क करेंगे अपनी तरफ से, बिकॉज अब ये पर्सन चाहता है कि सीरियस होके इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करे ताकि अच्छे वे में आपका कनेक्शन जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सके, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी अभी तक हमारे पास किंग ऑफ कॉइन्स की है कि एक सीरियस कनेक्शन आपके साथ बनाने के बारे में ये पर्सन सोच भी रहे हैं और बनाना भी चाहते हैं, ठीक है। अगर इनके पास कोई चॉइसेस हैं भी हैं तो ये पर्सन बिल्कुल भी उनको अवेल नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इन्होंने ऑलरेडी किसी को चूज़ कर लिया, अब वो चीज़ें जो हैं इस पर्सन को नहीं अच्छी लग रही, बिकॉज आई फील ये जो भी आपके पर्सन हैं गाइस इन्होंने पास्ट में बिल्कुल भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं किया या फिर ज़्यादा डेडिकेशन शो नहीं की, तो अभी ये पर्सन डेडिकेशन शो करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना चाहते हैं, हर चीज़ जो इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, हर वो चीज़ जो इस पर्सन ने नहीं की पास्ट में अपने आप को इन्वेस्ट करने से अवॉइड किया, अब ये पर्सन उस चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए सब कुछ रेडी है, क्योंकि हार्डवर्क करना चाहते हैं, डेडिकेशन शो करना चाहते हैं, हो सकता है ये अपने कमिटमेंट भी इस पर्सन ने पूरी नहीं की, ठीक है, तो अब ये हर चीज़ को कमिटमेंट के साथ जो है वो अच्छे वे में आगे लेकर जाना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप दोबारा से इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, एक सेकंड चांस चाहते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपका पास्ट का फ्रेंड भी दिख रहा है कुछ लोगों की साइड से मुझे दिख रहे हैं, या तो आपका वर्किंग प्लेस सेम रही है, अदरवाइज हो सकता है आप लोगों ने कोई स्टडीज़ वगैरह भी इकट्ठी की हों, या फिर चाइल्डहुड का भी कोई पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, यस बट विद द नाइन ऑफ कप्स इनको विद द नाइन ऑफ कॉइन्स एंड नाइन ऑफ कप्स इनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो अपनी लाइफ में, यू गाइस आर वेरी टोटली सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, आप काफ़ी खुश हो, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो इसी वजह से भी ये चीज़ें जो है ना ठीक करना चाहते हैं। वी हैव टेन ऑफ कॉइन्स, इट्स अ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कॉइन्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वी हैव फाइव ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स, यस ये पर्सन काफ़ी डिसअपॉइंट है, इन्होंने अगर किसी और को चूज़ किया या फिर इस पर्सन ने हमेशा अपने चॉइसेस ऑप्शंस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया ओपन रखे हैं और किसी और को इस पर्सन ने चूज़ कर लिया, आपको वो वर्थ नहीं दी, आपको वो इस पर्सन ने अटेंशन नहीं दी, जिसकी वजह से इन पर्सन को काफ़ी रिग्रेट हो रहा है, अभी काफ़ी गिल्टी एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की, बिकॉज अब ये जो है विद द थ्री ऑफ कॉइन्स एंड विद द टेन ऑफ कॉइन्स ये आपके साथ आगे जो है एक स्टेबल कनेक्शन में कंप्लीशन चाहते हैं, दिस पर्सन ने वन मेक फैमिली विद यू, दैट्स वाई विद द थ्री ऑफ कॉइन्स एंड विद द टेन ऑफ कॉइन्स, हो सकता है ये किसी तरह से अब आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, कुछ लोग तो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हो सकता है आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी ये पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ एक सीरियस कनेक्शन स्टार्ट करने के बाद, हो सकता है ये पर्सन किसी ना किसी तरह से गाइडेंस भी ले रहे हैं, बट ऑलरेडी आप किसी ना किसी एक किसी तरह की कोई प्रोजेक्शन में रहे हो, लाइक प्रोजेक्ट कर किया आपने या कोई कोलैबोरेशन किया एक दूसरे के साथ, बट ये अभी रिग्रेट में है और इन्होंने बुरा जो किया उस पर्सन को अब माफ़ी मांगनी है आपसे विद अ पेज ऑफ कॉइन्स, नाउ दिस पर्सन रियलाइज कि इस पर्सन की गलती है, इन्होंने अगर आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया या फिर इन्होंने आपके साथ एक डेडिकेशन इस कनेक्शन में शो नहीं की या कोई अपनी तरफ से इन्वेस्ट नहीं किया, अपनी तरफ से हार्डवर्क नहीं किया, अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया या फिर आपको कमिटमेंट दी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन ना बड़ा मतलब कमिटमेंट को निभाया नहीं है इस पर्सन ने, या तो अपने काम पर फोकस्ड रहा है या फिर ये पर्सन बस नॉर्मलाइज कर रहा था क्योंकि इसको पता था इसके पास चॉइसेस हैं, इसके पास ऑप्शन है, तो बस ठीक है इसने कहाँ जाना है, समथिंग लाइक दिस, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है, बट अभी ये माफ़ी मांगना चाहते हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, काफ़ी गिल्टी एनर्जी है, काफ़ी अनहैप्पीनेस है, ये पर्सन की लाइफ में इस टाइम उसको कुछ मिल भी रहा है तो ये पर्सन उस चीज़ों को अवेल करने की बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पास्ट का रोना धोना है ना,
पास्ट के रोने पे बैठा हुआ है, चाहे न्यू अभी इनको लाइफ में ब्लेसिंग्स आ भी रही हैं बट ये पर्सन उनको अवेल नहीं कर रहे, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको मैसेज करके आपसे बात करना चाहते हैं। यस, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको मैसेज करेगा, शायद हो सकता है ये पर्सन आपको अपने पास वापस बुलाने के लिए आपको मैसेज करेंगे और कहेंगे कि साथ में हम चलो रिलेशनशिप भी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ कोई अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है स्ट्रेंथ, इट्स अ लियो एनर्जी, नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इनको लगता है यू गाइस आर अ वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग पर्सन, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप लोग अकेले अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, सेटिस्फाइड हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बट इस पर्सन को पीस आपसे मिलता है गाइस, यू गाइस आर लाइक अ ब्यूटी विद अ बीस्ट, आप काफ़ी ज़्यादा बीस्ट वाली एनर्जी में हो, लेकिन इनको आप जैसा ही एक स्ट्रांग पार्टनर चाहिए, एक स्ट्रांग पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में जो इस पर्सन को काफ़ी सेटिस्फाइड कर सकता है। यस, 8899 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, नंबर 10, नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज या आपकी एज 30+ मुझे दिख रही है। लेट्स सी मोर करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको मैसेज करेगा एक सॉलिड ऑफर के लिए, आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं। वी हैव अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। येस, इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है आपके और इनके दरमियान, ये पर्सन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, या ये खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 of Cups की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ, आपको छोड़ने के बाद ये पर्सन खुश नहीं रहा, आपको खुश देख रहे हैं और वो चीज़ भी इस पर्सन को ज़्यादा फिर फील होती है जब ये देखते हैं ना कि आप खुश हो आफ्टर ब्रेकअप या आफ्टर सेपरेशन, तो इस पर्सन को वो चीज़ ज़्यादा तकलीफ देती है। वी हैव डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। इस टाइम ये पर्सन मेडिटेशन करने की पोजिशन में हैं और करना भी चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको अपनी नेगेटिविटी से या पास्ट की एनर्जी से डिटैच होना है, जिससे ये पर्सन डिटैच होना चाह रहा है, ताकि इस पर्सन का माइंड जो है वो क्लियर हो नेगेटिविटी के साथ, देन ये आपके पास आएँ और आपके साथ एक न्यू कनेक्शन स्टार्ट कर पाएँ। बिकॉज पेज ऑफ कॉइंस ये आपको मैसेज करना चाहते हैं एक स्टेबल कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन इनको शायद ये भी फील होता है कि आप जैसे खुश हो अपनी लाइफ में, आप इस पर्सन से टोटली डिटैच हो चुके हो, आपने अपने माइंड को क्लियर कर लिया इस पर्सन की फीलिंग से, इस पर्सन की एनर्जी से, क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, ख़त्म हो गई हैं, अब आप उस पर्सन को बिल्कुल भी लाइक अपनी लाइफ में एंटर नहीं करना चाह रहे हैं, आप टोटली सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ के साथ, ठीक है, और ये उतना ही सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपको इनको फील हो रहा है जैसे आप डिटैच हो चुके हो इस पर्सन से, आपने अपने आप को माइंड को क्लियर कर लिया कि बस ठीक है, ख़त्म हो गया, बस ख़त्म है आप, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं है आपको छोड़ के। जब आप थे तब इस पर्सन ने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए थे, चॉइसेस थी इसके पास, बट वी हैव रियूनियन, ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। यस, हो सकता है इन एंड आउट सिचुएशन कुछ लोगों की लाइफ में लगी रही है, बट अभी काफ़ी टाइम से शायद आपने इनसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, हो सकता है आप हर टाइम कॉन्टैक्ट कर लेते हो, खुद ही इस पर्सन के लिए सबसे बढ़कर इनिशिएट ले लेते हो, लेकिन अभी शायद आपने भी अपने आप को यू नो इन्वेस्ट इस पर्सन के साथ करना बंद कर दिया है। तो ये चाह रहे हैं कि हमेशा आपका रीयूनियन होता रहा है, बट इस बार ये आप टोटली डिटैच हो चुके हो, लेकिन ये पर्सन खुद रीयूनियन करने के लिए अभी इनिशिएट को लेना चाहते हैं, वापस आना चाहता है ये पर्सन आपकी लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका 6 of Cups का है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। दिस पर्सन मिसिंग देयर पास्ट, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया। वी हैव कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। I want you to be a part of my future. Yes, definitely this person really wanna give you a एक solid commitment. आपके साथ engagement हो सकती है, marriage commitment भी हो सकती है, क्योंकि ये person आपको अपने future का एक part बनाना चाहते हैं, that's why. Bottom of the deck energy है unworthy. You are better person than I am. Yes, आप इस person से बहुत ज़्यादा better हो, इनको पता है कि आप इन जैसा person deserve नहीं करते हो, लेकिन I think ये person अपने आप को better करने के लिए इस time work कर रहे हैं। लेट्स सी मोर, आपके लिए गाइडेंस क्या है, लेकिन ये रीयूनियन करके आपको कमिटमेंट देना चाहता है ये पर्सन, सॉलिड ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपके पास। वी हैव लुक एट द स्टार्स। यस, आप लोग जो हो स्टार्स के साथ अपनी हीलिंग कर सकते हो स्टार्स को देखकर। आप स्टार्स को देखिए, या फिर मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हॉरोस्कोप्स के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। लाइक आप उसको रीड करो जो भी आपको हॉरोस्कोप में बताया जाता है, यू नो जो भी एस्ट्रोलर वगैरह बता रहे हैं, अपने स्टार से फोकस करो और आपके स्टार्स की जो स्पेशलिटी है या जो भी आपकी ट्रेट्स हैं पॉजिटिव, उस पर वर्क करने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे।
31 आपकी इनकी एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। देन वी हैव ड्रिंक टी, आपको ट्री पीने की ज़रूरत है गाइज। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आप हर्ब्स की या डिफरेंट फ्लेवर्स की टी पी सकते हो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। अब तो काफ़ी जो है टीज आ चुकी हैं, स्लीपिंग टीज, तो पता नहीं कौन कौन सी टीज आप वो भी यूज़ कर सकते हो जो आपको बेटर लगे, अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर एंड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यहाँ पे 21 की एनर्जी है, 21 आपकी या इनकी एज भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, 32, 23 भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट, वी हैव ब्यूटी रिचुअल्स। यस, आप ब्यूटी से अपने आप को कनेक्ट करो, कोई ना कोई यू नो नेल पॉलिशेज वगैरह लगाना या आर्ट अपने बॉडी पे कर सकते हो आप लोग, या बट अपनी ब्यूटी पे फोकस करो। विद अ फाइव, फाइव नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। वी हैव बिल्ड स्ट्रेंथ। यस, आपके यहाँ तो बॉक्सिंग कर सकते हो या फिर किसी तरह से अपने आप को स्ट्रेंथ में लेकर आओ। एंड यहाँ पे थर्ड आई चक्रा की बात हो रही है, तो मुझे लगता है आपको अपने थर्ड आई चक्रा को काफ़ी एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, आपकी सोल आपको क्या बोल रही है उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी एक्ट करोगे, जो भी कोई एक्शन लोगे, तो डेफिनेटली वो एक पावरफुल एक्शन होगा। और उतना ही ज़्यादा आप पावरफुल होगे जब आप अपने गट फीलिंग्स की, अपने थर्ड आई चक्रा की सुनोगे। नंबर सिक्स भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो आप लोग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय।